मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग शब्द सुना था? जो शारीरिक रूप से किसी चुनौती से गिरे रहते थे उन्हें पहलों की सरकारों द्वारा ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया गया था। ये हमारी सरकार है जिसने दिव्यांगजनों की चिंता की, उनके लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए, उनके लिए कॉमन साइन लैंग्वेज विकसित करवाई। आज यहां ग्वालियर में दिव्यांग साथियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इससे देश में एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में ग्वालियर की पहचान और सशक्त होगी। और साथियों, मेरी बात पे विश्वास करना, दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी, दिव्यांगजनों के खेल की चर्चा होगी, ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है, लिख लीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, उनको मोदी पूजता है। इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसी ने नहीं पूछा, इन छोटे किसानों को मोदी ने पूछा, उनकी चिंता की। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर छोटे किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपये हमारी सरकार ने भेजे हैं। हमारे देश में 2.5 करोड़ छोटे किसान ऐसे हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा अनाज उगाने वाले छोटे किसानों की भी पहले किसी ने चिंता नहीं की। ये हमारी सरकार है जिसने मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी है, उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है।